आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा विकास मंच 2002 से मानव सेवा के कार्य लगातार कर रहा है। इसी कड़ी में आगरा विकास मंच और मैक्स हॉस्पिटल साकेत द्वारा एक विशाल निःशुल्क हृदय शिविर का आयोजन शाहगंज स्थित जैन दादावाड़ी में किया गया। आगरा विकास मंच 2004 से मानव सेवा के कार्य लगातार कर रहा है। इसी कड़ी में आगरा विकास मंच और मैक्स हॉस्पिटल साकेत द्वारा एक विशाल निशुल्क हृदय शिविर का आयोजन शाहगंज स्थित जैन दादावाड़ी में किया गया। सन 2004 के अंदर आगरा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष भाई अशोक जैन सीए साहब ने आगरा विकास मंच की स्थापना की थी हृदय रोग के लिए। उस समय डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, डॉक्टर विवेका कुमार जी, आगरा से डॉक्टर एमसी गुप्ता जी, आगरा के कुछ अन्य डॉक्टर्स ने मिलकर आगरा विकास मंच का गठन किया। आगरा विकास मंच के गठन का उद्देश्य हृदय रोग के मरीज जो आगरा में जिनका इलाज नहीं हो पाता था, वो बहुत परेशान होते थे, उनके इलाज को कराना था। यहाँ पर हम सुबह 9 बजे से कैंप कर रहे हैं, ज़्यादातर हमको हृदय रोगी ही मिल रहे हैं जिनकी पहले या तो बाईपास हो चुकी है या PTACA नाम का सर्जरी हो चुकी है जिसके अंदर स्टेंट डलता है, और बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनको छाती में उल्टी तरफ दर्द होता है और वो भ्रमित हैं कि कहीं हार्ट का तो नहीं है, और उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो हार्ट का भी निकल के आ रहा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हैं गैस का दर्द है या सर्वाइकल का दर्द है और उनको लग रहा हार्ट का दर्द है, तो हम उनकी आशंकाओं को का निवारण कर रहे हैं। देखिए, ये आगरा विकास मंच द्वारा एक महाशिविर है ये, और हर साल इसी तरीके से हम लोग आयोजन करते हैं, और लगभग 250 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, और समय है ये करीब 11, तो 11 बजे तक 250 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। काफ़ी पेशेंट जो हमारे जो आगरा विकास मंच की चिकित्सकों की टीम है वो देख चुके हैं, और इसमें ECG यहाँ पे और हार्ट का एक चेकअप होता है 2D echocardiography, वो साथ में ब्लड शुगर और की जांच। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आगरा विकास मंच द्वारा निशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। आगरा विकास मंच जो पिछले 17 सालों से इस कार्य को अंजाम दे रहा आगरा शहर में, और हर बार नई नई चीज़ देखने को मिल रही है। इस बार भी मरीज जो यहाँ पर आए हैं, बहुतायत में ऐसे मरीज जिनको हेरिडिटी है लेकिन आर्थिक अभाव के चलते वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, ऐसे मरीज हमारे डॉक्टर वी के अग्रवाल साहब से, डॉक्टर धमीजा साहब से मिलते रहे हैं और अपनी व्यवस्था को कहते रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए आगरा विकास मंच ने कोरोना काल के बाद ये कैंप लगाया है। वर्ल्ड हार्ट डे आज तो अपन स्पेशली लगाया ही हार्ट वाले पेशेंटों को डिटेक्ट करने के लिए और उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंजियोप्लास्टी है या उनकी बाईपास है या कोई वॉल्वुलर डिसीज़ है, उसके लिए रेफ़र करके और चैरिटेबल बेसिस पे उनका पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं लास्ट सारा। कैसे मिले हार्ट के मरीज, कैसे मिले नए पेशेंट? नए पेशेंट भी रजिस्टर होते हैं और जो पुराने पेशेंट हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो उनकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व करते हैं। गत वर्षों से 2005 से हमारा आगरा विकास मंच हृदय रोग पे निरंतर प्रतिवर्ष एक वो कैंप लगाता है, उसी की श्रृंखला में ये कैंप अरेंज किया गया है। हम आज अपने अशोक भाई की स्मृतियों को ताज़ा कर रहे हैं और हृदय रोग पर ये कैंप लगा है। इसमें दिल्ली से भी हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, इसमें जो हमारे पुराने ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं उनको हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, और इसमें कुछ पेशेंट हम लोग छांटेंगे जिनके कि हमें हार्ट के ऑपरेशन कराने होंगे, वो ऑपरेशन हमारी संस्था निःशुल्क कराएगी और ये ऑपरेशन दिल्ली में किए जाएंगे। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग एवं लंग ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला और बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अवस्थी द्वारा मरीजों का निःशुल्क परामर्श किया गया। कैंप में 60 से 70 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।